तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में, जहां पे हम आपको सिखाएंगे कि ब्लॉग कैसे बनाए, वेबसाइट कैसे बनाए और फ्री डोमेन कैसे कहां से ले, होस्टिंग कैसे ले, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप इस पे फोकस मत करना, क्योंकि हमारा एक और चैनल है, वहां पे हम टेक्निकल डिटेल, टेक्निकल जानकारियाँ वहाँ पे हम देते हैं कुछ अलग टाइप की। तो खैर दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग, तो चलो बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लॉग जो होता है, ब्लॉग में क्या है, ब्लॉग को कोई भी बंदा बना सकता है। जैसे कि अगर आपके पास एक जीमेल है, जीमेल पे अगर आप लॉगिन हो, यानी कि गूगल पे अगर आप लॉगिन हो, सिस्टम पे हो या मोबाइल में हो, तो आपको बस गूगल पे जाके लिखना है ब्लॉगर। ब्लॉगर जब आप वहाँ पे करोगे तो एक आ जाएगा, पेज आ जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा या एप्लीकेशन की मदद से भी आप उस पर क्लिक करके वहाँ पे वेरी सिंपल तरीके से अकाउंट बना के वहाँ पे तरह तरह की पोस्ट आप कर सकते हो। पोस्ट कैसे करना है, जिस प्रकार से आपका फेसबुक, अगर आपने फेसबुक तो चलाते ही होगे आप, फेसबुक में जिस प्रकार से हम अपनी फ़ोटो पोस्ट करते हैं, अपने जो स्टोरीज होती हैं उसे हम लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी ब्लॉगर पे भी हम तरह तरह के वीडियोज भी अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद से अपनी पोस्ट, फोटो, स्टोरीज वगैरह सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं एक कदम और आगे की दोस्तों। अब ब्लॉगर जो होता है कि अगर मान लो मेरा नाम साहिल है तो अब होगा sahil.blogpost.com। लेकिन दोस्तों अब क्या करना है कि अब मुझे लेना है, कहना है कि थोड़ा सा हमारा ऑफिशियल दिखे, ऑफिशियल मेरा नाम दिखे, जैसे कि sahil.com, ठीक है, जैसे मेरी एक वेबसाइट है sahilfreedish.com, तो ठीक उसी प्रकार से ऐसा दिखना चाहिए। जब मैंने तो अगर ऐसा दिखने के लिए, मैं बता दूं, ऐसा दिखने के लिए आपको डोमेन खरीदना होगा। तो अगर आप डोमेन खरीदोगे तो आपका ऐसा दिखने लगेगा। तो डोमेन खरीदने के लिए बहुत सारी फ्री वेबसाइटें हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो वहाँ पर .com, .in और कुछ ऐसे नेट है, ये नहीं मिलता है आपको, xyz और उसके बाद से और भी tm है, tk है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मान लो sahil.tk, sahil.xyz, ऐसी वेबसाइट है, आपको ऐसे डोमेन जो है नाम मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। अब ये फ्री में मिल गया, अब आप क्या करोगे, आप ले जाके इसको ब्लॉगर में इसको जोड़ दोगे। जब जोड़ दोगे तो कोई सर्च करेगा तो आपका सेम ऐसा ही आएगा कि अगर मान लो आपका नाम कुछ भी हो, जैसे कि मान लो sahil.xyz आपने लिया या sahil.com आपने लिया, तो आपका कोई सर्च करेगा तो आपका ये आ जाएगा, आपका पूरा जो ब्लॉग होगा वो एक वेबसाइट बन जाएगी, पूरा वेबसाइट आपका आ जाएगा। तो खैर, और अगर मान लो .com लेना है तो इसको GoDaddy और भी बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से पैसे दे के आपको खरीदना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़े सा बड़ा और स्तर, बड़े स्तर पे अगर आप काम करते हो, जैसे कि मान लो कि आप और ऊपर के स्तर पे आप काम करते हो कि बड़ी वेबसाइट बनानी है, और भी अच्छी वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस वगैरह पे, तो वर्डप्रेस, और उसके बाद से अगर मान लो वर्डप्रेस पे जाने के लिए आपको होस्टिंग लेना होगा, होस्टिंग भी बहुत जगहों पे फ्री मिलती है, इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट पे आपको मिल जाएगी, एकदम बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी एक साल के लिए। तो दोस्तों एक साल के लिए, वहाँ पर लाइफ टाइम के लिए है, वहाँ के टर्म एंड कंडीशन चेंज होते रहते हैं, तो खैर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो खैर दोस्तों, ये तो सारी बातें आपको मैंने जर्नल बताई, मुझवानी बताई। आगे दोस्तों आने वाली वीडियोज में मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से मैं बताऊंगा वीडियोज में कि वेबसाइट कैसे बने, एक एक सेटअप कमेंट करो आप कि आपको कौन सा क्या देखना है, एक एक सेटअप मैं बताऊंगा कि ब्लॉगर कैसे बनता है, ब्लॉगर में डोमेन कैसे अटैच करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, उसके बाद से दोस्तों उसका होस्टिंग कैसे जोड़ते हैं, उसके बाद से दोस्तों सीईओ क्या है, बहुत सारी बातें हैं जो कि वेबसाइट में होती हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस चैनल में बताऊँगा। तो इस चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दो चार यार दोस्तों में इसे फैला दें। हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।